हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 9.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.2। तो चलिए देखते हैं 9.2 में हम क्या क्या सीखते हैं। आप सभी ने बेसिक की वीडियो देख ली होगी कि पूरे चैप्टर 9 में आप कौन कौन से फॉर्मूले करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। हमें ऑड इंटीजर्स का सम फाइंड करना है 1 से 2001 तक। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे। सॉल्यूशन है इसका क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास गिवन है 1 to 2001, आपको यहाँ पर सम निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि जो आपके पास सम निकालना है वो है, वी हैव टू फाइंड आपको गिवन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। देखिए सॉल्यूशन इसका। इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द सम। आपके पास ऑड नंबर्स इंटीजर्स आपको लेने हैं यहाँ पे, तो 1, 3 एंड आपको 2001 तक लेना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ए आपके पास होगा, nth टर्म आपको फाइंड करनी है। ए जो है हम लिख सकते हैं 1 है, और जो आपका डिफरेंस है जिसको आप डी से डिनोट करते हैं, ये आपके पास आने वाला है 3 - 1, दैट इज़ 2। nth टर्म हमें फाइंड करनी है। लेट द nth टर्म ए प्लस n - 1 डी। तो देखिए ए आपके पास 1 है, n आप नहीं, आपको पता कि n कितना है, डी आपके पास 2 है, और ए एन जो है लास्ट टर्म है वो है 2001। यहाँ आप लिख सकते हैं टर्म आपके पास है 2001। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, n - 1 × 2 = 2001 - 1। यहाँ से आपके पास आता है 2000। जब आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा ये 1000, और 1 अगर हम राइट साइड में लेके जाएं तो ये हमारे पास बन जाता है 1001। तो देखिए एन जो है आपके पास आ जाता है 1001। हमें सम फाइंड करना है, तो देखिए एन आपके पास आ गया है 1001, तो सम आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं सम फाइंड करने का। तो देखिए एस एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 d। क्लियर? तो देखिए n आपके पास अब आ गया है यहाँ पर 1001, तो आप n के प्लेस पे 1001 रखिए। तो आपके पास a जो है वो आता है 1, n आया आपके पास 1001 - 1, और d है आपके पास 2। सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास आता है 2 + 2000, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है आपके पास 2002।
कैंसिल आप करेंगे तो ये आता है 1001। देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 100201। तो आपके पास जो सम आता है 1 से 2000 ओड इंटीजर्स का वो ये बनने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल। देखिए आपको वो नंबर्स का सम निकालना है नेचुरल नंबर्स का जो 5 का मल्टीपल हो। कौन कौन से मिलने वाले हैं, वी हैव टू, जो डिफरेंस मिलता है वो कैसे निकालते थे आप, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस है 5 का। लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 995। तो सबसे पहले हम यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं जो कि आपके पास होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an आपके पास है 995, a आपको यहाँ से मिल रहा है 105, d है आपके पास 5 इंटू n माइनस 1। देखिए 995 में से हम 105 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ये 0 9 8 890 आपको मिल जाता है इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस 1। जब आप 5 से डिवाइड करते हैं इसको तो ये आपके पास नंबर आता है 178। तो यहाँ से आप 1 जब लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो आपको मिलने वाली है n की वैल्यू जो कि आती है 179। हमें सम फाइंड करना था। देखिए सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। या फिर मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम सेकंड वाले फॉर्मूले से मैं आपको करके बता रही हूँ। अब 179 टर्म्स का हमें सम चाहिए तो आप फॉर्मूले में रखिए a आपके पास था 105 और लास्ट टर्म थी आपके पास 995। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 179 बाय 2 और ये वैल्यू आती है आपके पास 1100। क्लियर है, 2 से जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका बनेगा 550। 179 को जब हम 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आने वाली है 98450। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म सो दैट 20th टर्म इज माइनस 112। तो देख लेते हैं हम सॉल्यूशन इसका होगा। देखिए गिवन है आपके पास थर्ड क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म आपके पास है यहाँ पर 2। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए पी आप कैसे लिखते थे, ए प्लस डी, आप डिफरेंस इसमें ऐड करते जाते थे। देखिए हर एक टर्म में आप डिफरेंस ऐड कर रहे हैं प्रीवियस टर्म में, इस तरीके से हम लिखते थे इसको। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या बोला गया, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो देखिए 5 टर्म कौन सी होंगी हमारी, ए प्लस डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपने 5 टर्म का सम लिखा यहाँ पे a प्लस 3d a प्लस 4d किसके इक्वल होगा, आपका 1/4 होगा नेक्स्ट 5 टर्म। तो देखिए नेक्स्ट 5 टर्म कौन सी मिलेंगी, a प्लस 5d a प्लस 6d a प्लस 7d a प्लस 8d प्लस a प्लस 9d, ये आपको 5 टर्म्स मिलने वाली है नेक्स्ट।
तो देखिए यहाँ पर सम क्या आता है, 5a प्लस 10d। और नेक्स्ट फाइव टर्म आपके पास क्या आती हैं, 5a प्लस में 35d। a आपके पास ऑलरेडी गिवन है जो कि है 2, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 10d इक्वल टू 1/4, 5 × 2 प्लस 35d। तो देखिए आपको क्या मिलता है, 10 प्लस 10d इक्वल टू 1/4, 10 प्लस 35d। 4 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 40 प्लस 40d इक्वल टू 10 प्लस 35d। कॉन्स्टेंट एक साइड ले लेते हैं हम, 35 माइनस 40 इंटू डी। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिला है, 30 इक्वल टू माइनस 5d। तो आपको डिफरेंस मिल गया है, डी आपके पास यहाँ आ जाता है, आपको मिलता है डी यहाँ पर माइनस 6। देखिए आपको इससे क्या शो करना था, जब ए और डी आपको मिल गए हैं तो 20th टर्म आपको निकालनी है, तो ए 20 20th टर्म। तो फॉर्मूला हम जानते हैं ए एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। आपको 20th टर्म बोली गई है, ए के प्लेस पे आप रखेंगे 2, एन के प्लेस पे आप रखेंगे 20 और डी के प्लेस पे आप रखेंगे माइनस 6। तो देखिए क्या आता है, 2 माइनस 6 इंटू 19। तो आपके पास यहाँ पर ये आ गया 2 माइनस में 1 1 4, और ये आता है माइनस 1 1 2। यही आपको यहाँ पे शो करना था, क्लियर है। ये आपको दिखाना था कि अगर फर्स्ट फाइव टर्म्स का जो सम है वो नेक्स्ट फाइव टर्म के सम का 1/4 है, तो 20th टर्म जो है वो माइनस 1 1 2 आती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी -6 -11/2 -5 आर नीडिड टू गिव द सम -25। कितनी टर्म्स हमें चाहिएंगी इसमें कि हमारे पास जो सम है वो -25 आ जाए। तो देख लेते हैं कितनी सम की रिक्वायरमेंट आती है। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का, लेट अस कंसीडर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन ए पी इज -25। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सम, वी नो दैट एस एन इज एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1d। ये आप जानते हैं कि यहाँ पर आप किसको क्या बोलते हैं, a जो होती है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, d जो है वो डिफरेंस को बोला जाता है, n जो है आपके पास ये हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर है। अब देखिए ए आपके पास यहाँ पे कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म होती है तो ए है माइनस का 6, डी जो है डिफरेंस है वो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा -11/2 प्लस में 6, तो -11 + 12/2 मीन्स डी आ जाता है 1/2। अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं इसको, तो आपके पास एस एन है -25, तो यहाँ पर आपके पास आप रखेंगे -25 इक्वल टू एन बाय टू 2 × -6 प्लस एन माइनस 1 × d। देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है हमने लिखी यहाँ पे, बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं -50 इक्वल टू एन
इंटू माइनस 12 प्लस एन बाय 2 माइनस 1 बाय 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आता है माइनस 50 इक्वल टू एन, ये वैल्यू आपके पास होगी माइनस 25 बाय 2 प्लस में एन बाय 2। बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा माइनस 100 इक्वल टू माइनस 25 एन प्लस एन स्क्वेयर। एन हम अंदर ले गए हैं, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, प्लस 100 इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर बनाइए इसके, कौन कौन से फैक्टर बनते हैं आपके पास, एन स्क्वेयर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इक्वल टू 0। जब आप n कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा n माइनस 20, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा n माइनस 20, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है n माइनस 5 n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देखिए n माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो n मिला हमें 5, और अगर n माइनस 20 हम लेते हैं 0 तो हमें मिलता है n इक्वल टू 20। तो आपके पास n की दो वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पर, 5 और 20। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ़ एन ए पी इन एन ए पी इफ पी एथ टर्म इज 1 बाय क्यू एंड क्यूथ टर्म इज 1 बाय पी, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1 वेयर पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। ओके, वेर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वी नो दैट द जनरल टर्म ऑफ एन ए पी, देखिए ए पी के अंदर आप सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, एक तो आपके पास एन एट टर्म का है और एक सम है एन एट टर्म का, उन्हीं दो के यूज से आप ए पी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फ्रॉम द क्वेश्चन आपको पी एथ टर्म बोला गया है, अभी ये जो फॉर्मूला लिखा था वो था एन एट टर्म का, जब पी एथ टर्म है तो एन के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, पी, तो यहाँ से आ गया जहाँ भी एन है वहाँ पी रख दीजिए, ये किसके बराबर है, 1 बाय क्यू के। इसी तरह आप क्यू एथ टर्म निकालेंगे तो जहाँ भी आपके पास एन था वहाँ पे क्या रख देंगे, अब क्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, ये 1 बाय पी के। तो देखिए हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, ये वी हैव ए प्लस पी माइनस 1 डी माइनस ए माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। देखिए ए से ए आपका कैंसिल हो गया है यहाँ पे, अगर हम डी कॉमन लेते हैं तो ये आता है पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। क्लियर, यहाँ से आपके पास आता है पी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो क्या हम बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं पी बाई क्यू से, तो आपको यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाती है, ये आपको मिल जाता है डी इक्वल टू 1 बाय पी क्यू। अब देखिए हमें डी मिल चुका है, डी मिलने के बाद हम किसी में भी रख के इस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ डी इन 1 वी गेट, देखिए फर्स्ट से निकाल लेते हैं तो a प्लस पी माइनस 1 डी आता है 1 बाय पी क्यू इक्वल टू 1 बाय क्यू। तो यहाँ से a क्या मिलता है आपको, 1 बाय क्यू माइनस में पी माइनस 1 अपॉन p
पी क्यू। तो ए जो है आपके पास कितना आ जाता है, देखिए आपके पास जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो ये आया पी क्यू, और सॉल्व करने पे आपको क्या मिलता है यहाँ से, पी माइनस पी प्लस वन, तो ये आता है वन बाय पी क्यू। तो आपके पास ए की वैल्यू भी क्या आती है, पी क्यू। अभी आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, सम ऑफ पी क्यू टर्म, यानी कि जहाँ आपके पास जो एन सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला क्या था, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, आपको किस टर्म का सम निकालना है, पी क्यू टर्म्स का सम निकालना है। तो जहाँ भी आपको एन दिख रहा है वहाँ पे आप क्या रख देंगे, पी क्यू। तो ये आएगा आपके पास पी क्यू बाई टू इंटू टू, ए आपके पास कितना आता है, वन बाय पी क्यू, प्लस में पी क्यू माइनस वन, और डी कितना आपके पास, वन बाय पी क्यू। तो देखिए अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास पी क्यू कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमने पी क्यू कैंसिल कर दिया, तो ये बनता है वन बाय टू टू प्लस पी क्यू माइनस वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास क्या टर्म निकल के आती है, वन बाय टू पी क्यू प्लस वन। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, आपको यही चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, आपको गिवन है इफ़ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी दिस इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। आपको लास्ट टर्म फाइंड करनी है यहाँ पे। तो देखिए आपके पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। आपके पास जो एपी गिवन है, गिवन एपी इज 25, 22, 19 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपकी फर्स्ट टर्म आपको मिली है 25, डिफरेंस आता है 22 माइनस 25, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से मिलता है माइनस 3। आपको एस एन गिवन है 116, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर, अब जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आप रख दीजिए, ये है 2 × 25 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस 3। सॉल्व कीजिए इसको, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा आपके पास n इंटू 50 माइनस 3n प्लस 3। इसको हम और सॉल्व करें तो ये आपके पास बनेगा 232 n इंटू 53 माइनस 3n। मल्टीप्लाई कीजिए और सभी टर्म आप राइट साइड लेके जाइए, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0 = 53n माइनस में 3n स्क्वेयर माइनस में 232। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको 3n स्क्वेयर प्लस माइनस 53n प्लस में 232 इक्वल टू 0। क्लियर, अब इसको हम फैक्टर बना लेते हैं। तो ये जो आपके फैक्टर बनने वाले हैं, यहाँ पर आपके फैक्टर बनेंगे n माइनस 8 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपके पास n आता है 8 और 29 बाय 3। हम जानते हैं कि n जो है आपके पास कैसा होता है, इंटीजर, n इक्वल टू 8 एंड n इक्वल टू 29 बाय 3। बट वी नो दैट
n is an integer. पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको कि आप ये वैल्यू लेंगे नहीं, एन इज़ नॉट इक्वल टू 29/3, आप लेंगे एन इक्वल टू 8. तो देखिए एन इक्वल टू 8 पर जो टी एन आपकी टर्म होती है, या आप क्या लिखते हैं उसको, ए प्लस एन माइनस 1 डी. तो देखिए ए क्या था आपके पास, 25, एन कितना आया आपके पास 8, और डी कितना है -3. तो ये मिलता है हमें 25 -3 इंटू में 7, मीन्स 25 माइनस में 21, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 4. तो जो लास्ट टर्म आपकी बनेगी यहाँ पर वो आएगी आपके पास 4. हमसे लास्ट टर्म पूछी गई थी कि लास्ट टर्म क्या होगी, तो जो लास्ट टर्म है वो मिलेगी हमें 4. देखिए नेक्स्ट है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द एपी हुज केयर टर्म इज 5k+1. सॉल्व कर लेते हैं इसको. आपके पास जो kth टर्म है वो गिवन है 5k+1. आप जानते हैं nth टर्म हम कैसे लिखते हैं, nth टर्म इज an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी. अभी आपको kth टर्म गिवन है तो आप n के प्लेस पे क्या लिखेंगे, k. kth टर्म इज a k इक्वल टू a प्लस k माइनस 1 डी लिख सकते हैं हम. और जो kth टर्म है आपको वो कितना दिया हुआ है आपको, 5k+1. ओके, तो फर्स्ट टर्म अगर हम k इक्वल टू 1 रखते हैं तो आपके पास a 1 कितना मिलता है आपको, 5 × 1+1, जो कि आपके पास आता है 6. अगर हम k के प्लेस पे 2 रखते हैं तो आपके पास a 2, सेकेंड टर्म क्या आती है आपके पास, 5 × 2+1, मीन्स 11. तो आप देख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट टर्म हमें मिली है 6, और d कैसे निकालेंगे आप, डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया हमारे पास 5. अभी आपको क्या निकालना था यहाँ पे, सम ऑफ n टर्म्स. तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स, ये है n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी. क्लियर, अब आप रखिए यहाँ पर, ये आपके पास मिलेगा आपको Sn इक्वल टू n बाय टू 2 × 6 प्लस n माइनस 1, और d है आपके पास 5. सॉल्व कीजिए इसको, n बाय टू 12 + 5n - 5, तो यहाँ से मिलता है n बाय टू 12 - 5 7 + 5n, मीन्स Sn आपके पास यहाँ पर आ रहा है n × 5n + 7/2. ये आपके पास Sn निकल के आता है. क्लियर है, तो आज हम इतना ही करेंगे. आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, 1 to 7 क्वेश्चंस की. बाकी के क्वेश्चंस हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. जब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चंस. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.